أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. आज आप लोग अंधेरे में बैठे हैं, कुछ लोग बाहर खाक पे बैठे हैं, लेकिन ये अंधेरा जारी तो नहीं रहेगा। कुछ ही देर में आप अपने घरों को लौट जाएंगे, दोबारा चराग जला लिए जाएंगे। जो खाक पे बैठे हैं वो दोबारा नर्म बिस्तर पे चले जाएंगे, लेकिन वो जो शाम गरीबा में बीबियां थी वो खाक ही पे बैठी रह गए। अजरकुम अल्लाह। पता नहीं शाम गरीबा पढ़ पाऊं या ना पढ़ पाऊं। बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा से सवाल किया गया, कौन सी रिवायत दुरुस्त है? मौला हुसैन को पुश्ते गर्दन से ज़िबह किया गया था या सामने से ज़िबह किया गया या गले के गोदाल में नेजा मारा गया था? रिवायत कौन सी दुरुस्त है? इन तीनों रिवायात में कौन सी रिवायत दुरुस्त है? जब मरहूम आयतुल्ला शेख जाफर शुश्तरी से पूछा कि ये तीनों रिवायात हैं, बताइए कौन सी दुरुस्त है, वो तड़प के रोने लगे, कहा तीनों दुरुस्त है। पहले शिमर ने पुश्ते गर्दन पे खंजर चलाया था, मैं आपको नजर आ रहा हूं, जो देख सकते हैं वो देखें। अब उन्होंने मरहूम ने फरमाया, पहले शिमर ने सर से अमामा उतारा, पुश्ते गर्दन पे खंजर चलाया, पहले खंजर के चलने पे जनाब आदम ने रुख मोड़ लिया, कहा या रसूल अल्लाह, अब आप जाने और हुसैन जाने, इससे आगे मैं देख नहीं पाऊंगा। दूसरा खंजर जब शिमर ने चलाया तो जनाब नूह ने कहा या रसूल अल्लाह, आप जाने और हुसैन जाने, इससे आगे मैं भी नहीं देख पाऊंगा। जब तीसरा खंजर चला ना तो जनाब इब्राहिम ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने जब इस्माइल के गले पे छुरी रखी थी, मैंने आंखों पे पट्टी बांध ली थी, या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दें, इससे आगे मैं भी देख नहीं पाऊंगा। खंजर चलते रहे, सारे अंबिया ने रुख फेर लिए। एक ऐसा मरहला आया कि रसूल खुदा ने फरमाया या अली, अब आप जाने और हुसैन, इससे आगे अब मैं भी देख नहीं पाऊंगा। रसूल खुदा ने भी रुख फेर लिया। एक ऐसा लहजा आया कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा सैयदा, अब आप जाने और हुसैन, इससे आगे मैं भी देख नहीं पाऊंगा। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा, जब सारे अंबिया ने आइम्मा ने रुख फेर लिया, जनाब सैयदा आगे बढ़ी, बुरके का दामन फैलाया, मौला हुसैन के सर के नीचे रखा, हाथों को गर्दन पे रखा और सर को बुलंद करके कहा परवरदिगारा गवारहनो, मैंने चक्कियां पीस के पाला था, बस भाई अभी तो मैंने चार पांच मिनट सात मिनट मसाए पढ़े हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने पूछा ना शिमर से, शिमर
तूने खंजर को तेज क्यों नहीं किया था, तूने 12-13 जरबते चलाए, खंजर तेज ही कर लेता। शिमर ने कहा, ओ बैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, खंजर तेज था। कहा, फिर इतनी जरबते क्यों मारी तूने हुसैन को? कहा, जब भी मैं खंजर चलाता था ना, किसी बीबी के हाथ आते थे, खंजर तले। वो बीबी कहती थी, शिमर तू भी औलाद वाला है। आज भी कोई नहीं रोएगा भाई? आज कोई ऐसा ना हो जो ना रोए। पता नहीं हम में अगले बरस कौन हो कौन ना हो। आज जनाबे सैयदा को पुरसा देना है। आज रकुमल अल्लाह पढ़ना चाह रहा हूं। शिमर ने कहा कि जब भी मैं खंजर चलाता था ना, तो एक मर्तबा गले पे किसी बीबी के हाथ आ जाते थे। मेरी तरफ देखिएगा, आयतुल्ला जवादी आमुली फरमाते हैं, जब पुश्ते गर्दन से शिमर खंजर चला रहा था, मौला हुसैन ने कहा, शिमर मत मार मुझे, मैं तेरे नबी का नवासा हूं, मेरी माँ फातिमा है, मेरे बाबा अली है। शिमर ने मौला हुसैन को सीधा किया, एक हाथ जोड़ के जुमला पेश करूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने किसी मकाम पे कहा था, एक मर्तबा शिमर ने अपना घुटना मौला हुसैन के सीने पे रखा। इमाम जमाना ज़ियारत नहिया में कहते हैं, मेरा सलाम हो मेरे जद हुसैन पे, वशिमरो जालिसुन अला सदरे, जिनके सीने पे शिमर सवार था, आखिज़ुन बिलहिया थे, दाढ़ी में हाथ डाल रखा था, जब उसने खंजर चलाया, इमाम जमाना कहते मेरा सलाम हो मेरी फुप्पी पे, जो 70 कदम के फासले पे खड़ी रो रही थी, ओ मुसलमानों ये तुम्हारे नबी का नवासा है। बर्दाश्त कर नहीं पा रहे आप, यहां मेरा बच्चा बेहोश होने वाला है, न जाने कितने अफराद बेताबी कर रहे हैं भाई। 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा मैं, आधा एक घंटा पढ़ सकता हूं मसायब, इतना मसायब है। बस भाई, जब मौला की शहादत हो गई ना, तो एक मर्तबा जुलजना ने मौला के सामने रोना शुरू किया। मौला ने कहा, जुलजना खेमों में जाके मेरी बहनों को बता दे मैं गिर गया हूं। यह नहीं कहा मैं मारा गया हूं, कहा मैं गिर गया हूं। जुलजना वापस चलने लगा खेमों की जानिब। 5वें इमाम से रिवायत है, लोगों ने पूछा, मौला जुलजना कुछ कह रहा था? मौला ने कहा, हाँ, वो बार बार कहता था, वाय हो इस उम्मत पे, इन्होंने अपने ही नबी का नवासा मार दिया। जुलजना खेमों में आया, बीबियां जुलजना की आवाज से पहचानती थीं, ये मौला की सवारी है। जैसे जुलजना खेमों के बाहर आया, इमाम जमाना कहते हैं, मेरा सलाम हो मेरी फुफियों को, लात मातिल खुदूद, जो चेहरों पे मातम करती हुई खेमों से बाहर आ गई, कोई मत रोका करे इन जवानों को जो चेहरों पे मातम करते हैं। बीबियां चेहरों को मातम करते हुए खेमों से बाहर आए। अजरकुम अल्लाह, सांस ले ले मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, सांस ले ले, मैं भी पढ़ूंगा। बस भाई, एक मर्तबा सारी बीबियां खेमों से बाहर आ गईं, चारों तरफ से जुलजना को घेर लिया। अगर देख सके तो जरूर मेरी तरफ देखिएगा। रिवायत के अल्फाज हैं कि एक छोटी सी बीबी, नाम सकीना बताया जाता है, उन्होंने जुलजना की कटी हुई बागों में हाथ डाला, जुलजना को अपनी तरफ खींचा और एक सवाल किया, या जवाद हल सोकया अभी अम कोतेला अदशाना, ऐ जुलजना, जब मेरे बाबा खेमे से गए थे तो बड़े प्यासे थे, बस इतना बता दे, मेरे बाबा को पानी पिला दिया था या मेरे बाबा प्यासे ज़िबा हो गए?
सारी बीबियां रोने लगी, जुलजना के आंसू बह रहे थे। जनाबे सकीना ने खुद ही जवाब दिया, जुलजना तेरी कटी हुई बागें और लटकी हुई जीन बता रही है मेरे बाबा उतरे नहीं है गिरे हैं। मेरे बाबा गिरे पढ़ूं या छोड़ दूं? अजरकुम अल्लाह। बस भाई एक मर्तबा शिमर ने आवाज दी, लूटो तबर्रुकात अलियो बतूल के। जानते कैसे तबर्रुकात लूटे? हाथों में नेजे थे, बीबियों के सर थे, वो नेजों से चादरें उतार रहे थे। हर बीबी आवाज देती थी अब्बास, बीबियां खेमों में वापस आ गईं। शिमर ने आवाज दी खेमों को आग लगा दो। पहले खेमे को आग लगी, बीबियां दूसरे खेमे में आ गए, दूसरे खेमे को आग लगी, बीबियां तीसरे खेमे में, सारे खेमे जल गए। अब आखिरी खेमा है जिस पे चटाई पे एक बीमार इमाम लेटा है। एक सवाल करूं आपसे, आपने आज तक कभी देखा है कि किसी बीमार को बिस्तर से गिरा दिया गया हो? शाम गरीबा में एक बीमार से बिस्तर लूट लिया गया, मौला सज्जाद को बिस्तर से गिरा दिया। एक मर्तबा बीबियों ने आके सवाल किया, जनाबे जैनब ने कहा सैयद सज्जाद हमारी चादरें लूट ली गई हैं, खेमों में आग लगी है, आप इमाम वक्त हैं, बताइए क्या हुक्म है, हम खेमों में जल के मर जाएं या बगैर चादरों के खेमों से बाहर चले जाएं? मौला सज्जाद ने कहा अम्मती अंति बिहम्दिल्लाह आलिमतुन गैर मुअल्लमतिन। फूफी अम्मा आप आलिमा गैर मुअल्लमा हैं, आपको मसला पूछने की ज़रूरत नहीं, आप मसला जानती हैं। इमाम सज्जाद से जनाब जैनब ने फरमाया का भतीजे मसला जानती हूँ लेकिन आप इमाम वक्त है, आप जो हुक्म करें। मौला सज्जाद हुक्म देते ही बेहोश हो गए। पूछा मौला क्यों बेहोश हो गए थे? कहा मैंने इमामत के बाद पहला हुक्म दिया अली की बेटियों को, फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है, खेमों से निकल जाइए। आप तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मैं तो बहुत ज्यादा मसाइब सोच के आया था। बस भाई जानते क्या हुआ? खेमों को आग लगी, बीबियां सब खेमों से बाहर आ गईं। मुझे बताया है आपके साथ भी माएं बहनें बेटियां आई हैं। अगर आप में से किसी को यह पता चले कि आपके साथ आई हुई कोई छोटी सी बच्ची बेहोश हो गई है तो आप क्या पूछेंगे? यही पूछेंगे ना, बच्ची को किसी ने पानी पिलाया या नहीं? लेकिन शाम गरीबा में जानते हैं क्या पूछ रही थी बीबियां? तमाचा किसने मारा था? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरा बच्चा, बस भाई सारी बीबियां खेमों से बाहर आ गईं। जब सब बीबियां खेमों से बाहर आ गईं, हमीद इब्न मुस्लिम कहता मैंने देखा एक बूढ़ी बीबी है, सर के बाल सफेद थे, कमर टूटी हुई थी, वो बार बार दोनों हाथ कमर पे रख के कमर को सीधा करती थी और जलते हुए खेमे में जाने की कोशिश करती थी। मुझे पूरा यकीन हो गया बहुत ही कोई कीमती शय अंदर रह गई है। मैं देख रहा था ये बीबी क्या करती है, मेरी तरफ देखिएगा। कहा इतने में मैंने देखा जलते हुए खेमे में वो बूढ़ी बीबी अंदर गई और एक जवान का बाजू पकड़ा और उन्हें उठा के बाहर लाई। मैंने पूछा ये बीबी कौन है? कहा ये ज़ैनब कुबरा। का ये जवान कौन है? का सैयद सज्जाद।
इमामत की वारिस ज़ैनब, इमामत की मुहाफिज ज़ैनब। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई, शाम गरीबा के दो चार जुमले सुन लीजिए। जनाब ज़ैनब ने आवाज दे के कहा, उम्मे कुलसूम, जरा बीबियों से कहो अपने अपने बच्चों को देख लें, सबके बच्चे मौजूद हैं ना? जनाब अमीर की तकरीबन सारी बेटियां करबला में मौजूद थी। एक बेटी का नाम है खदीजा। जनाब खदीजा जो जनाब अमीर की बेटी है, उन्होंने रो के कहा, बीबी मेरे दोनों बेटे घोड़ों की टापों तले शहीद हो गए हैं, मेरे दोनों बेटे शहीद हो गए। अब हर बीबी देख रही है मेरा बच्चा कहाँ है, मेरी बच्ची कहाँ है। इतने में शिमर आया। जनाब मुस्लिम की जब शहादत हुई थी ना, तो मौला हुसैन ने अपने हाथों से जनाब मुस्लिम की यतीमा जनाब आतिका के कानों में बालियां पहनाई थी, सर पे शफकत का हाथ रखा था। जनाब सकीना ने देख लिया था कि अगर कोई बच्ची यतीम हो जाए, उसके सर पे शफकत का हाथ रखा जाता है, कानों में नई बालियां पहनाई जाती हैं। जब शाम गरीबा आई, जनाब सकीना इंतजार में थी, मेरे सर पे कोई शफकत का हाथ रखेगा, मेरे कानों में कोई नई बालियां पहनाएगा। इतने में शिमर आ गया, उसने बीबी के सर पे ऐसा हाथ रखा, बीबी का बालों को छुड़ाना मुश्किल हो गया। जब उसने बालियां उतारी, जनाब सकीना ने कहा, चचा अब्बास जरा आके देखिए मेरे कानों से खून बह रहा। वहां मेरा कोई भाई मर ना जाए। अजरकुम अल्लाह। सुन पाएंगे पढ़ूं? और बस भाई, जैसे ही जनाब सकीना के बालियां उतार के शिमर गया, मेरी तरफ देखिएगा। आप जानते हैं ना, अगर कोई बेवा माँ हो, उसके सामने कोई यतीम बच्चे को तमाचा मारे, वो फौरन मदद तलाश करती है। जैसे ही जनाब रबाब ने देखा जनाब सकीना को तमाचा लगा, जनाब रबाब ने बड़ी हसरत से जनाब ज़ैनब को देखा, बड़ी हसरत से देखा कि शायद बीबी मेरी बेटी को बचा लें। जानते हैं जनाब ज़ैनब ने क्या कहा? रो के कहा, रबाब मुझे मत देखो, मेरा अब्बास नहीं रहा। मैंने तमाम कर दिया, अब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई, दो चार मिनट की जहमत दूंगा, अब मैं देख रहा हूं कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अजरकुम अल्लाह, ना मुझसे पढ़ा जा रहा है, ना आपसे सुना जा रहा है, ना मेरे सीने में पढ़ने की ताकत, ना आप में सुनने की ताकत। एक मर्तबा जनाब रबाब ने कहा, बीबी मेरी सकीना का कुछ पता नहीं है, ना जाने सकीना कहाँ चली गई है। मेरी तरफ देखिएगा। जनाब ज़ैनब ने फौरन फुरात का रुख किया, बुलंद आवाज से रोके कहा, अब्बास सकीना नहीं मिल रहे। फिर खुद ही जनाब ज़ैनब मक्तल में उतरे, सकीना कहाँ हो? सकीना आपकी माँ को आराम नहीं है, सकीना आवाज दो। अचानक एक कटे हुए गले से आवाज आई, ज़ैनब आहिस्ता बोलो, ना जाने जालिम ने कितने तमाचे मारे हैं, मेरी बेटी के कानों से खून नहीं रुक रहा। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, जनाब सकीना को गोद में लिया, एक सवाल किया, सकीना बाबा का सर तो कलम था, आपने पहचाना कैसे ये आपके बाबा का सीना है? का फूफी अम्मा, जब शिमर ने मुझे तमाचे मारे, मेरे रुखसारों में बड़ा दर्द था, कानों में बड़ा दर्द था, मैं मक्तल में उतरी, मैंने कहा, बाबा मुझे बुला लीजिए, मुझे नींद नहीं आ रही। फूफी अम्मा कटे हुए गले से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया, मेरी लख्त जिगर, मेरे पास आ जाइए।
दो मिनट। पढ़ो ना पढ़ो, मेरे भाई इशारा करे, सही ज्यादा कहता है रोक दो मसाए। एक रिवायत पढ़ना चाहता था, मेरे भाई वहां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। दो मिनट बस, ज़ियारत बरामद होने वाली है। बस भाई, बुजदिल नाम सुना होगा आपने, उससे रिवायत है। एक आदमी ने पूछा क्या बात है, ये खाना काबा के पास खड़ा तू क्यों रो रहा। कहा मैं बयान नहीं कर सकता। कहा बता तो सही हुआ क्या है। कहा मेरी जिंदगी में किसी को ना बचाना। कहा तेरे हाथ खुश कैसे हुए। कहा जब करबला में सब तबर्रुकात लूट रहे थे ना, मैंने देखा हुसैन के हाथ में अंगूठी रह गई है। मैं आगे बढ़ा, मैंने खंजर निकाला, अंगूठी उतारना चाही, नहीं उतरी। मैंने उंगली को काटा, अंगूठी को उतारा। मैं झाड़ियों में छुप गया, नूर की अम्मारियां उतर रही थी, एक अम्मारी उतरी। रियाजुल कुद्स की रिवायत है कि अम्मारी उतरी, उसमें से तीन नूर बाहर आए। पहला नूर बाहर आया, हुसैन के सरहाने बैठा, रो रो के कहने लगा हाय मेरा नवासा मारा गया, हाय मेरा नवासा मारा गया। का दूसरा नूर बाहर आया, हुसैन के दाईं तरफ आके बैठा, कहने लगा हाय मेरा लाल हुसैन मारा गया। तीसरा नूर बाहर आया, हुसैन के बाईं तरफ बैठा, कहने लगा हाय मेरा भाई हुसैन मारा गया। का ये तीनों रो रहे थे, इतने में एक और नूर की अम्मारी उतरी, उसमें से बुरका पोश बीबियां बाहर आई। एक बीबी आगे बढ़ी, वो तीनों नूर खड़े हो गए, पहले नूर से गले मिली और कहने लगी बाबा मैंने चक्कियां पीस के पाला था, आपकी उम्मत ने मेरा बेटा मार दिया। बाबा मेरा हुसैन। एक मर्तबा कटे हुए गले से आवाज आई, अम्मा वो जो झाड़ियों में छुपा है उसने मेरी उंगली काटी है। या हुसैन, या हुसैन।
سلام علیک یا عبد اللہ سلام علیک ابن رسول اللہ سلام علیک ابن امیر المومنین السلام علیک ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیک یا غریب الغربا سلام علیک ابن معین الضعفاء والفقرا السلام علیک یا شمس الشموس یا انیس النفوس سلطان عرب والعجم يا ابا الحسن يا علي ابن موسى الرضا راضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الزمان الامان سلام علیک یا شریک القرآن سلام علیک یا مظہر الایمان السلام علیک یا منتقم کربلا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله تعالی مخرجک وظهورک وجعلنا من صالحین